अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं और इमरान भाई निकले हैं जी पैदल ही अटक से, इधर शकरदरा का मेरा कह सकते हैं आप, या हाजी शाह का मेरा कह सकते हैं, ठीक है, चाइना चौक वाली साइड पे। तो रेलवे पटरी हम चलते चलते आए हैं और आज हमारा प्रोग्राम है जी कि हम देखते हैं कि मूँगफली जो है ज़मीनों में से, खेतों में से कैसे निकाली जाती है और उसका थ्रेशर कैसे लगाया जाता है। तो हमारी दुआ है जी कि हमें कोई मिल जाए थ्रेशर वगैरह होता हुआ, ताकि वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। ये देखिए, इससे निकालते हैं ये। ओहो, ये अभी देखें, एक दफ़ा पहले भी हमने ऐसे एक वीडियो में दिखाया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारा मजाक बनाया क्योंकि उसमें कुछ निकला नहीं था। तो इस दफ़ा जी पौधों के साथ मूँगफलियाँ लगी हुई हैं। ये जी मूँगफली को यहाँ से ज़मीन से निकाला गया, ठीक है, यहाँ पर सारा ढेर लगाया गया है ज़मीन में। आप मूँगफली सारी देख सकते हैं, पड़ी हुई है, वो सामने इसको इकट्ठा किया जा रहा है थ्रेशर लगाने के लिए। ये जी इमरान भाई के हाथ में माशाल्लाह मूँगफली के पौधे, इस तरह जी के पहले हाथों के साथ ये पौधे जो हैं ज़मीन में से निकाले जाते हैं, ठीक है जी, और फिर ये इकट्ठे किए जाते हैं, इकट्ठे करके ये सामने ढेर बना रहे हैं ये, और फिर इसका थ्रेशर किया जाता है, और उसके बाद जो ज़मीन में से इसको चुन के निकाला जाता है जो मूँगफली ज़मीन में बच जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो जी। थ्रेशर स्टार्ट हो गया जी, ये देखें आप, और ये मूँगफली देख सकते हैं आप बाहर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी मूँगफली हुई है, और उम्मीद है कि काफ़ी जायकेदार भी होगी। किसान की मेहनत जो है वो रंग लाई है, ये माशाल्लाह आप चेक करें, बहुत ही प्यारी मूँगफली हुई है जी।
उसके बाद इस तरह से ज़मीन में से मूँगफलियाँ चुन के निकाली जाती हैं, और ये तीन हिस्से पे होता है, दो हिस्से जो हैं वो मालिक के होते हैं और तीसरा हिस्सा इन मज़दूरों का होता है, और ये बेचारे इस गर्मी में काम करते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमारी वापसी हो गई है, सारा मैंने आपको दिखाया है मूँगफली का प्रोसेस कैसे। मूँगफली का प्रोसेस इमरान भाई ने थोड़ी सी ली भी है, मूँगफली ली है घर के लिए, घर के लिए। और हमेशा इनका मेरे साथ गिला होता है कि मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी जाता हूँ मेरा खर्चा हो जाता है, तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि देखे इनका खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये खुद खरीद रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो खाली आज जा रहा हूँ ठीक है, लेकिन इमरान भाई ने ले लिए और ऊपर से गिला भी है, वहाँ पे खर्चा करवा देता है। नहीं, देख साथ लेके आता है वहाँ खर्चा करवा देता है, यहाँ भी साथ लेके आता है खर्चा मेरा करवा देता है, तो मुझे आती मुझे ये करता क्या मेरे साथ, मुझे बाद में पता चलता है यार कि खर्चा ऐसे करवा रही है मेरा, तो मैं और कर भी कुछ देखता हूँ। नहीं जी, ये अपना मसला है, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये खुद जो है अपने घर के लिए चीज़ें वगैरह लेते हैं, और बाद में जनाब मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ जाता है कि जनाब आपने ये सारा करवाया। तो चले, ये आप लोग बताएं कमेंट करके कि गलती इनकी है या मेरी है, किस में लगी गलती है। चले इंशाल्लाह, चले जी आज तक के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ जी।